हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। बहुत सारी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, और मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं कि क्यों आपको एनर्जी रिलेटेड सेक्टर में, आपको यहाँ पे विंड रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उनमें क्यों अपना एलोकेशन इंक्रीज करना चाहिए, आगे जाके क्या क्या फ्यूचर में सिनेरियोज बन सकते हैं, और सुजलॉन एनर्जी का क्या फ्यूचर हो सकता है। इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ICICI की डायरेक्ट की तरफ से अगर आप देखोगे 9 ऐसे स्टॉक्स बताए गए हैं जिनमें आपको फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम करीबन 17 से 34% के रिटर्न्स मिल सकते हैं, वो भी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में। वीडियो के लास्ट में हम ये सारी चीजें भी डिस्कस करने वाले हैं, आखिर वो स्टॉक्स कौन से हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें मार्केट का हालचाल आज के दिन का, तो करीबन 57,897 यानी कि 57,897 पे सेंसेक्स की क्लोजिंग और 17,233 पर करीबन निफ्टी 50 की क्लोजिंग, 147 का गेन। निफ्टी बैंक और निफ्टी मिड कैप में भी अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे पॉइंट्स के साथ आज आपको यहाँ देखने को मिला है। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली बात कर लेते हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आज फिर से अगर आप यहां पे देखोगे तो एक बारी 5% का अपर सर्किट लगते हुए फिर से देखने को मिल गया है। इस ईयर में अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम से आपको यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं 5% के, और आज के दिन भी अगर आप यहाँ पे देखो तो 5% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल गया है। डेफिनेटली बहुत शानदार रिटर्न्स इसने ऑलरेडी दे दिए हैं। अब हम यहाँ पे अपडेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि इससे रिलेटेड निकल के आ रही है। सबसे पहली अपडेट मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको देखने को मिल रहा है कि विंड एनर्जी मार्केट में सेट एपिक ग्रोथ स्टोरी विद नॉर्डेक्स, सुजलॉन एनर्जी, GE रिन्यूअल एनर्जी। यानी कि इस रिपोर्ट के अगर हम यहाँ पे माने तो देखने को मिल रहा है कि विंड एनर्जी जो सेक्टर है वो पर्टिकुलरली एक एपिक ग्रोथ स्टोरी सेट कर सकता है आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर, और जिसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहने वाला है वो आपको नॉर्डेक्स, सुजलॉन एनर्जी, GE रिन्यूएबल्स एनर्जी जैसे स्टॉक्स का रहने वाला है। यानी कि ये जो स्टॉक है वो पर्टिकुलरली हाईलाइटेड स्टॉक्स में से अब आना स्टार्ट हो चुका है, और डेफिनेटली अगर आप देखो जिस अकॉर्डिंग इसका अभी तक का परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है तो चांसेस बहुत हद तक नज़र आ रहे हैं कि ये स्टॉक आपको आने वाले टाइम में एक बेहतरीन रिटर्न्स बना के दे सकता है। दूसरी अपडेट के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है, अगर आप यहाँ पे देखो, पैनल टू बी सेटअप सून फॉर मिशन 500 गीगावाट। यानी कि आपको ये तो पता ही है कि जो इंडिया का पूरा अब जो मेजर फोकस होने वाला है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर होने वाला है। कार्बन एमिशन जीरो करने वाला टारगेट ऑलरेडी ले लिया है, अब यहाँ पे कोल का कंजम्पशन भी जो इंक्रीज़ हो रहा था उस पर भी कंट्रोल किया जा रहा है। तो पूरा जो फोकस वो हमें शिफ्ट होते हुए नज़र आएगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर, जिसमें अगर आप देखोगे तो मिशन 500 गीगावाट जो सेट किया गया है उस पर बहुत जल्दी पैनल बैठ सकती है, और क्या क्या सिनेरियोज आने वाले टाइम में क्रिएट हो सकते हैं जिससे इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को बहुत मेजर हेल्प हो सकती है, तो वो भी यहाँ पे आने वाले टाइम में सेट होने वाले हैं। तो डेफिनेटली इसका भी इम्पैक्ट आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक पर बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि आपको इन पर्टिकुलर स्टॉक में अभी अपना एलोकेशन क्यों इंक्रीज करना चाहिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हाउ एनर्जी एज अ सर्विस इज इनेबलिंग इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल्स। यानी कि अगर आप देखो तो जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जीज की डिमांड आ रही है वहाँ से सीधा सीधा सारे लोग, यानी कि जो भी कैपिटलिस्ट हैं या फिर अगर आप देखो जो भी एनालिस्ट निकल के आते हैं, उनका यही मानना है कि आपको अपना एलोकेशन थोड़ा सा इस पर्टिकुलर सेक्टर में ज़रूर इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग इसकी जो डिमांड जनरेट हो रही है नॉट ओनली इन इंडिया बट ओवरऑल वर्ल्ड में अगर आप देखो जिस अकॉर्डिंग इसकी जो डिमांड जनरेट हो रही है तो कंपनीज यहाँ से बहुत अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकती हैं, और डेफिनेटली उस ग्रोथ का आपको जो पैरामीटर इनके स्टॉक्स में भी देखने को मिलेगा, और डेफिनेटली स्टॉक्स की ग्रोथ होगी तो आपको भी यहाँ पर पूरी तरीके से फ़ायदा होते हुए नज़र आने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो दूसरी एक डील के बारे में बात निकल के आ रही थी, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ
कि अदानी ग्रीन एनर्जी और सुजलोन के साथ एक पार्टनरशिप डील साइन हुई है जिसमें 327 मेगावाट ऑनशोर विंड प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको साइन होते हुए नज़र आया है। जो यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा वो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे देखो इसकी पूरी डिटेल आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि प्रोजेक्ट टाइप ऑनशोर, टोटल कैपेसिटी 327, पाइपलाइन कैपेसिटी 327 मेगावाट, प्रोजेक्ट स्टेटस अभी परमिटिंग स्टेज पे है, जैसे इसको परमिशन मिल जाएगी इसका एक्शन आगे देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। एक और अपडेट मैं आपको बता देता हूँ, सुजलोन एनर्जी ने करीबन 20.39 करोड़ इक्विटी शेयर्स अलॉट किए हैं ऑन द कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स। तो ये भी आपको देखने को मिल रहा है, जो इनके कन्वर्टेबल डिवेंचर्स थे उनको यहाँ पे कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं। करीबन 20 करोड़ से ज़्यादा के इक्विटी शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं करीबन 2.25 पर, यानी कि अगर आप देखोगे जो शेयर आपको 8.5 के आसपास देखने को मिल रहा है वो 2 पर अलॉट कर दिया है। तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट है वो कितनी ज़्यादा है आप देख ही पा रहे होगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसमें अपना एलोकेशन धीरे धीरे करके इंक्रीज कर सकते हो। बाकी आप अपनी रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। अब हम यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो ICICI डायरेक्ट की तरफ से रिकमेंड किए गए हैं और जिनमें अगर आप देखोगे तो 17 से 34% के रिटर्न अगर आप देखो तो यहाँ पर मिल सकते हैं। यानी कि अगर आप इनके अकॉर्डिंग, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो फंडामेंटली कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया जो है वो आपको ट्रैक पर नज़र आती है। आने वाले साल में अगर आप देखो तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एज वेल अर्निंग ग्रोथ आपको अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। मैं कुछ स्टॉक्स के जो यहाँ पे इन्होंने सजेशन दिए हैं वो आपको बता देता हूँ, जो आपको 2022 में अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करना चाहिए सो डैट आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सके। यहाँ पे आप देखो सबसे पहला जो स्टॉक निकल के आता है वो निकल के आता है HCL टेक्नोलॉजी, दूसरा स्टॉक निकल के आता है यूनाइटेड स्पिरिट्स, तीसरा स्टॉक निकल के आता है ABB इंडिया, चौथा स्टॉक निकल के आता है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, पांचवा स्टॉक निकल के आता है इंडियन होटल्स, छठवां जो स्टॉक है वो निकल के आता है SKF इंडिया, सातवां स्टॉक जो निकल के आता है जिंदल स्टेनलेस, आठवां स्टॉक जो निकल के आता है वो निकल के आता है ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TCI, और जो लास्ट स्टॉक इस लिस्ट का निकल के आता है वो गैब्रियल इंडिया। यानी कि अगर आप देखोगे तो कुछ नाव ऐसे स्टॉक से डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड हैं, ये आप इनको अपनी रिसर्च के बाद भी देख सकते हो। और अगर आपको ICICI डायरेक्ट की रिसर्च पर पूरा भरोसा है तो आप इनमें भी थोड़ा बहुत एलोकेशन करके चल सकते हो। यहाँ से आपको ये स्टॉक्स जो हैं वो आने वाले साल में यानी कि न्यू ईयर में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाते हुए नज़र आ सकते हैं। इस पर पूरे मार्केट पे एक रिपोर्ट भी इन्होंने जनरेट की है, वो भी मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बता दूंगा। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो कमेंट में आप जरूर पूछिएगा सो डैट मैं आपको वहाँ पे आंसर बता सकूं। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।